झिमर में झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है, जिस बेटे के घर में यारो जन्नत सी मां रहती है। फिर अरे उस घर का हर हर एक बच्चा घर का हर हर एक बच्चा उस घर का हर हर एक बच्चा खुशियों से महके कभी माँ बाप रोटे। बार मुलाकात करनी है आपको आपसे और मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो एक कलाम पढ़ता हूँ जिससे आप पहचान जाएं कि मैं वही वाले हूँ जिनको आप मोबाइल में सुनते हैं। तैयार हैं आप? जवान वाले भाई मुख पर्दा लगा कर तैयार हैं? सर खाली है, मुंह पे पर्दा है, करोना नहीं है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, करोना से बचने के अगर लगाए हैं तो उसको हटा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ ना रोटे। अब तो माँ बाप की मोहब्बत में दोनों हाथ उठा ले और कह दे या रसूल कि कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ ना रोटे। क्यों ना रोटे सुनियों बन सुने कि माँ अपने बच्चे को कैसे रातों में सुलाती है। अरे माँ अपने बच्चे को कैसे रातों में सुलाती है, खुद भूखी सो जाती है। हाँ खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। अरे माँ अपने बच्चे को कैसे रातों में सुलाती है, खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। अरे माँ की अजमा इनकी अजमत जो ना समझे, जन्नत को तरसे कभी माँ बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मोहब्बत वालिदैन, अजमत वालिदैन, हजरत अख्तर परवाज नईमी। कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ ना रोटे। कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ ना रोटे। कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ ना रोटे। मौना मसूद साहब, कुछ लोग हैं जो माँ बाप को बात बात पर गाली दिया करता है, और कुछ कम बख्त तो ऐसे भी गए गुजरे हैं जो माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। वो लड़का बड़ा कम नसीब है जो ये काम करता है, लेकिन वो भाई कितना खुश नसीब है। कौन? अरे रिम झिम हिम्मत की बारिश उस घर में होती है। रिम झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है, जिस बेटे के घर में यारो, जिस बेटे के घर में यारो जन्नत सी मां रहती है। रिम झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है, जिस बेटे के घर में यारो जन्नत सी मां रहती है। फिर अरे उस घर का हर हर एक बच्चा घर का हर हर एक बच्चा उस घर का हर हर एक बच्चा खुशियों से महके कभी माँ बाप न रोटे, किसी की माँ न रोटे। कभी माँ बाप न रोटे,
किसी की माना। अरे माशाल्लाह जिंदाबाद। अब मेरी माँ बहने कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर्दे के साथ बैठी हुई है, कुछ मेरी माँ बहने अपनी औकात भूल गई है, अपनी अजमत भूल बैठी है, और कुछ तो इतनी गई गुजरी हो गई है कि माँ बाप के नाम को ऐसे गिरा देती है, नाक कटवा देती है। मोबाइल के चक्कर में आकर मेरी बहनें भूल गई है कि मेरी औकात क्या है, मेरी अजमत क्या है। ए मेरी बहनों अपनी अजमत को समझो कि कभी ये बीवी कभी ये बेटी कभी बहन कहलाती है, और कभी ये बीवी कभी ये बेटी कभी बहन कहलाती है, लेकिन अरे रुतबे में पढ़ जाती है। हाँ रुतबे में पढ़ जाती है औरत जब माँ बन जाती है, रुतबे में पढ़ जाती है औरत जब माँ बन जाती है, फिर अरे माँ के कदमों की बरकत से। इनके कदमों की बरकत से हर सुन्नी चमके कभी माँ बाप रूठे, माशाल्लाह रूठे कभी माँ बाप रूठे किसी की माँ ना रूठे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले ही कहकर चले गए है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज्जत करने का हुक्म कुरान शरीफ से भी मिला है, इसलिए सुन लीजिए इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। कर लो सब माँ बाप की खिदमत, अरे कर लो सब माँ बाप की खिदमत, हमको यकीन है महशर में बच जाओगे दोजख से, हाँ बच जाओगे दोजख से और जाओगे सब जन्नत में, बच जाओगे दोजख से और जाओगे। नारे तकबीर। तमाम हजरात इस्तकबाल करें मुस्लिह कौमो मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा हसन इमाम साहिब क़िबला का। बहुत कर लो सब माँ बाप की खिदमत, हमको यकीन है महशर में बच जाओगे दोज़ख से और जाओगे सब जन्नत में, बच जाओगे दोज़ख से और जाओगे सब जन्नत में, क्योंकि अरे अख्तर के पैगाम मिला है, अरे अख्तर के पैगाम मिला है, अख्तर के पैगाम मिला है आका के दर से, कभी माँ बाप रूठे रोटे कभी। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरिया माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कभी माँ बाप रोटे किसी की माँ ना रोटे, कभी माँ बाप ना रोटे किसी